उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हर रोज नेताओं की बयानबाजी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐसा नाम जो हमेशा किसी न किसी बहाने चर्चे में बना रहता है, वो आज चुनाव के माहौल में भी लगातार मीडिया में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ की सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी की। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुरू से ही नजर बनी हुई है और कई बड़ी कार्यवाही भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार वालों पर मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। इसी क्रम में एक बड़ी खबर आ रही है कि बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से मिलने उनके बेटे उमर अंसारी बांदा जेल पहुंचे थे। उमर अंसारी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से मिलने का समय भी तय किया गया था और तय समय के अनुसार वो पहले ही वहां पहुंच गए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए पहले उनकी तलाशी ली गई और फिर उनकी गाड़ी की भी तलाशी ली गई। इस दौरान मुलाकात का समय भी कुछ मिनट ही बाकी रह गया था। बहुत कोशिश के बाद जब उमर अंसारी को अंदर जाने दिया गया, तब जेलर से मुलाकात की पर्ची कटवाने में 11 मिनट की देरी का हवाला देते हुए कहा कि कारण मुलाकात संभव नहीं है। बता दें कि मुलाकात की पर्ची कटवाने का आखिरी समय 11 बजे होता है, जबकि उमर के अनुसार वो 10:30 बजे से ही वहां खड़े थे। इसके साथ ही उमर अंसारी बढ़ती सर्दी को देखते हुए अपने पिता विधायक मुख्तार अंसारी के लिए रजाई वगैरह भी ले गए थे, जिसे वापस लौटा दिया गया।